हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उदयपुर शहर में पर्यटन विकास की दृष्टि से शहर के सज्जनगढ़ इलाके में स्थापित किया गया बायोलॉजिकल पार्क अब वन्य जीवों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। इसी कड़ी में चेन्नई से 2 साल पहले पर्यटकों और शहरवासियों के मनोरंजन के लिए बायोलॉजिकल पार्क लाए गए सफेद बाघ रामा ने भी एक गंभीर बीमारी के चलते दम तोड़ दिया है। रामा बाघ पिछले 45 दिनों से बबेशिया नाम की गंभीर बीमारी से जिंदगी और मौत के बीच संघर्षरत था। इस बीमारी की वजह से रामा की किडनी में संक्रमण हो गया और कल देर रात उसकी किडनी फेल होने की वजह से मौत हो गई। रामा को स्वस्थ करने के लिए बायोलॉजिकल पार्क प्रबंधन और वन विभाग के अधिकारियों ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के विशेषज्ञों को भी उदयपुर बुलाया था, लेकिन रामा की किडनी में संक्रमण इतना फैल गया कि जिससे उसे मौत के मुंह में जाना पड़ा। डॉक्टरों की जांच में आया कि बैक्टीरिया की वजह से रामा के लीवर और किडनी को प्रभावित कर दिया। इस वजह से रामा बाघ ने खाना पीना छोड़ दिया, जिसे डॉक्टर द्वारा ड्रिप के माध्यम से खुराक दी जा रही थी। बायोलॉजिकल पार्क की शान के रूप में पहचाने जाने वाले रामा टाइगर की मौत के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने विशेषज्ञों के बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम कराया। रामा टाइगर की मृत्यु के बाद बायोलॉजिकल जू प्रबंधन एवं वन विभाग के अधिकारियों में शोक की लहर देखी जा रही है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब संक्रमण की वजह से बायोलॉजिकल पार्क में किसी जंगली जानवर ने दम तोड़ दिया हो। पहले भी मोनू टाइगर और रानी पैंथर ने संक्रमण की वजह से इसी पार्क में दम तोड़ दिया था। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।